What are the basic differences between solute and solvent? Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is what are the differences? Differences between solute and solvent. Solute और सॉल्वेंट बेसिकली आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है. फर्स्ट डिफरेंस हम इसका देखते हैं डेफिनेशन का. डेफिनेशन में हम देखेंगे सॉल्यूट की डेफिनेशन को. इट इज़ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स सॉल्यूट इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी. इट फॉर्म्स सॉल्यूशन जब सॉल्यूट एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो एक सॉल्यूशन बना देता है. तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे. इट इज़ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज़ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट. अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है और एक कंप्लीट मिक्सर या फिर सॉल्यूशन बना देता है. मिक्सर इज़ होमोजीनियस मिक्सर एंड सॉल्यूशन इज बेसिकली सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन. उसके बाद हम इसके नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं, दैट इज़ फिज़िकल क्वान्टिटी, कि इसकी फ़िज़िकल क्वान्टिटी कितनी लेते हैं. जो सोल्यूट है उसको स्मॉलर क्वान्टिटी के अंदर लेते हैं, लेसर अमाउंट के अंदर लेते हैं. बेसिकली ये सॉलिड्स होते हैं और इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इनकी स्मॉल क्वान्टिटी लेते हैं. लेकिन अगर सॉल्वेंट को देखें तो सॉल्वेंट को लार्जर अमाउंट में लिया जाता है, इसकी लार्ज क्वान्टिटी देते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेट, किस स्टेट में इसको यूज़ किया जा सकता है. तो सॉल्यूट में देखेंगे, सॉल्यूट बेसिकली स्मॉलर क्वान्टिटी में होता है, इसलिए इसकी ज़्यादातर फॉर्म्स सॉलिड फॉर्म में होती हैं. सम हाउ कुछ लिक्विड और गैस में भी एग्जिस्ट करती हैं, बट मोस्टली इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. इसी तरह से अगर सॉल्वेंट को देखते हैं कि सॉल्वेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सॉल्वेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, बट इट्स सम फॉर्म्स एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म. बट मोस्टली ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड में. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप बताएंगे वाटर इज़ द बेसिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं सॉलेबिलिटी का डिफरेंस. तो सॉलेबिलिटी के डिफरेंस में हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सॉलेबिलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है. तो सॉल्यूट की सॉलेबिलिटी को डिटरमिन किया जाता है बाय इट्स सॉल्यूट करेक्टरिस्टिक्स. सॉल्यूट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका आप सरफेस एरिया देख लें कि सरफेस एरिया कितना है. अगर ये लिक्विड की फॉर्म में होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर सॉलिड की फॉर्म में होगा इसका सरफेस एरिया कम होगा, और इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक फॉर्म होगा. तो क्यूबिक फॉर्म होगा, इसको टूटने में ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को टूटने में कम टाइम लगेगा और ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा. इस सरफेस एरिया के बाद मोलिकुलर साइज़ है, मोलिकुलर साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है. अगर तो किसी चीज़ का साइज़ बड़ा है, लार्जर साइज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको टूटने में टाइम लगेगा और सॉल्यूशन लेटली डेवलप होगा. जो उसके साइज़ हैं वो स्मॉलर फॉर्म में है, स्मॉल साइज़ में है, तो स्मॉल साइज़ में होने की वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और उनके ब्रेक होने के बाद वो इजीली सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना देगा. लेकिन अगर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट को, तो ये डिपेंड करती है ऑन इट्स पोलैरिटी, इसकी सॉल्वेंट की पोलैरिटी के ऊपर. सॉल्वेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लिक्विड को अगर आप वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है. हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिकम्स पोलैरिटी, ये पोलैरिटी को डेवलप करा देते हैं. तो इस तरह से जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट की, वो डिपेंड करती है पोलैरिटी. जिसकी जितनी अच्छी पोलैरिटी होगी, वो उतना अच्छा सॉल्वेंट होगा. वाटर है तो उसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और सेंटर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. तो दोनों साइड्स पे पॉजिटिव चार्ज और सेंटर में नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है. आपने इस टॉपिक के अंदर जितने भी हमने डिफरेंसेस किए, उनको अच्छी तरह से रिकॉल करना है, डेफिनेशन को, उसकी फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ को, कि कितने फ़िज़िकल क्वान्टिटी लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं. सॉल्यूट को बेसिकली हम लेसर क्वांटिटी में लेते हैं और सॉल्वेंट को लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं. फिर इसकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस के स्टेट में इसको एग्जिस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इसके सॉल्युबिलिटी को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है. स्टेबलाइज. अल्लाह हाफिज़.